पैसों ने मेरे रिलेशंस बर्बाद कर दिए, द मनी किल्ड माई रिलेशंस। क्या आपने भी ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है गाइस चारों ओर कि जिस भी रिलेशंस में पैसे आ जाते हैं वो रिलेशन बर्बाद होना तय है? If yes, then let me tell you, this video is going to be so very important for you all. ये video आप सभी के लिए बहुत important है, देखना. Listen to me guys, पैसा कभी गंदा नहीं होता है. The money is never bad and never wrong, ना गंदा ना गलत. Yes, मैं दोबारा कहूंगा, the money is never bad and never wrong. Why? जरा सुनिए मेरी बात. Even money जो है वो लोगों के real nature को सबके सामने लाता है. It reflects your real attitude. रिमेंबर गाइज, समझिए मेरी बात को इन तीन छोटे से एग्जाम्पल से. मैं तीन लोगों को, एक बिजनेसमैन, एक मिडिल क्लास व्यक्ति और एक ड्रंकर, एक यानी कि शराबी को मैं 5,000 रुपए देता हूँ. इफ आई गिव द 5,000 रुपीज टू 2-3 कैटेगरी पीपल, इन तीनों लोगों को मैंने 5,000 रुपए दिए. सुनिए गाइज, पैसा पहले भी गलत नहीं था, मैंने तीनों को 5,000 रुपए दिए. वॉट डू यू थिंक, क्या ये तीनों लोग उस 5,000 रुपयों को एक ही तरह से यूज करने वाले हैं? Absolutely not. You know very well. अगर वो businessman है तो he will invest that money in the right direction. उन पैसों को निवेश करेगा किस सही दिशा में. अगर हम बात करें कि middle class व्यक्ति की, तो he will save. वो उन पैसों को saving account में save कर देगा. Moreover, at last, अगर हम बात करें कि एक शराबी की, तो उन पैसों को शराब या जुए में उड़ा देगा. This is the fact, guys, जो आप भी accept करते हैं कि you know what, the money was never bad, it went into wrong hand, ये गलत हाथों में चला गया, that was the problem, and that's what, याद रहे guys, लोगों का real nature डिपेंड करता है कि वो पैसा गलत यूज होगा या सही यूज होगा. इसी प्रकार हमारे रिलेशंस में गाइस, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारे पब्लिक रिलेशंस में या फिर हमारे पर्सनल रिलेशंस में भी, अगर जो भी आपके पास है थोड़ा पैसा जरूर दीजिए. जस्ट एटलीस्ट लेट देम शो देयर रियल नेचर एंड रिफ्लेक्ट देयर एटीट्यूड. उन्हें उनके राइट एटीट्यूड को आपके सामने लाने दीजिए. दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप. आज से ये कहना बंद कीजिए कि मनी किल्ड माय रिलेशन, पैसों से मेरे रिश्ते खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए. डू नॉट वरी अबाउट इट गाइस. भगवान यीशु को भी, जीसस क्राइसिस आई मीन दैट, कि उनको भी बहुत फक्र था. उनके 12 शिष्य थे, दे हैड 12 डिसिपल्स. नाउ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, उनमें से एक डिसिपल के कारण, सिर्फ एक डिसिपल ने 30 सिल्वर कॉइंस के लिए उनको सूली पे चढ़वा दिया. So what do you think about it? Even उनमें से एक डिसिपल ने, एक शिष्य ने गाइस उन्हें पहचाने तक से मना कर दिया कि ये हमारे जीसस क्राइसिस ही नहीं है. Just understand, the people who really live so close to you, वो लोग जो आपके बहुत करीब रहते हैं, आपको अगर उनका real nature पता करना है life में, then please add the money into relation, guys. अगर आप पैसों को add करते हैं, this really reflect their real nature. तब तक ये सामने नहीं आएगा जब तक आप उन्हें थोड़ा सा पैसा नहीं डालते हैं. Yes, it sometimes it may cause to some loss, कुछ पैसे को नुकसान हो सकता है, but do not worry. The lesson, the people, जो आप real nature लोगों को देखेंगे, this is so very important. Life में ऐसे लोगों के साथ long lasting journey को decide करना बहुत गलत है. कि ऐसे लोगों के साथ बहुत लंबा time spend करें आप, इससे पहले उनके real nature को आप जरूर देख लें. Okay, so thank you so much and stop saying that the money killed my relationship, because this video was so very important, and please share this video at large so that you can change the mindset of so many people out there who think that the money is a bad thing and wrong thing. Paisa ganda aur galat hai. Nahi guys, money is so very important thing. Money sahi hai, but log kyunki soch use galat kar deti hai. Logo ke galat logo ke haath mein jane par ye paisa galat ho jata hai. So please just share this video at large, and I hope you loved my point. If you agree to my point, please just comment in the box. Bye-bye and take care of you all.